अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। वेल स्वागत है दोस्तों क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईपीएल 2019 के बारे में, जो कि वो कौन से 5 प्लेयर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स कंपलसरी रिटेन करना होगा अगर आईपीएल 2019 का टाइटल अपने नाम करना चाहते हो तो। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे आईपीएल 2019 कब से स्टार्ट होगा और कब तक खेला जाएगा आईपीएल 2019। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईपीएल 2019 29 मार्च 2019 से स्टार्ट होगा और 19 मई 2019 तक खेला जाएगा आईपीएल 2019। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से 5 प्लेयर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2019 में रिटेन करना पड़ेगा। जो कि नंबर एक पर आते दिनेश कार्तिक, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है। जो कि दिनेश कार्तिक का आईपीएल के करियर का सबसे शानदार साल गुजरा है साल 2018 का, जो कि दिनेश कार्तिक आईपीएल 2018 में 16 मैचेस खेले हैं जिसमें 498 रन बनाए हैं और दिनेश कार्तिक साल 2018 में एवरेज रन पर मैच 50 है। दोस्तों जहां बात करें नंबर दो की, तो दोस्तों नंबर दो पर आते क्रिस लिन, जो कि इनका आईपीएल 2018 का सीजन शानदार गुजरा है। जो कि क्रिस लिन आईपीएल 2018 में 16 मैचेस खेलकर 491 रन्स बनाए ऑन एन एवरेज 33। दोस्तों जहां बात करें नंबर तीन की, तो दोस्तों नंबर तीन पर आते कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त ऑलराउंडर सुनील नारायण, जो कि गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी भी शानदार करे। जो कि सुनील नारायण आईपीएल 2018 में 16 मैचेस खेलकर 357 रन बनाए और आईपीएल 2018 में 17 विकेट चटकाए 16 मैचेस में। दोस्तों जहां बात करें नंबर चार की, तो दोस्तों नंबर चार पर आते कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त ऑलराउंडर एंड्रू रसेल, जो कि 16 मैचेस खेलकर आईपीएल 2018 में 316 रन बनाए और 13 विकेट चटकाए। दोस्तों जहां बात करें नंबर पांच की, तो दोस्तों नंबर पांच पर आते कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, जो कि 16 मैचेस खेलकर 17 विकेट छटकाए आईपीएल 2018 में। तो दोस्तों ये वो 5 प्लेयर्स है जो कि आईपीएल 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स कंपलसरी रिटेन करे अगर आईपीएल 2019 का टाइटल अपने नाम कर पाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से 5 प्लेयर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय और विचार देना ना भूले। और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल क्रिकेट ट्रू फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।